corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. विकास योजना द्वारा बच्चों व गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सहयोगनी व सहायिका एवं कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। यदि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझे तो पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मिल सकता है। कई सेंटर पर 10-12 बच्चे ही आते हैं। कई माताओं का कहना है कि हम अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते क्योंकि पोषाहार पूरी तरह पकाया नहीं जाता है, पोषाहार पे कीड़े भी पड़ जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र जाते हैं? हाँ जाते हैं। महीने तक गई हमारी पोती का? महीने तक गई, कोई मांगा ही 6-7 महीने कुछ भी नहीं देते उनके लिए वहाँ स्कूल में, ना दलिया ना वहाँ से पाउडर गलत चीज मिले आंगनवाड़ी में, तो कुछ भी नहीं दिया। और पूरे टाइम खुलता है? नहीं खुलता है आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ का, क्या पता ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं जाके। कितने बच्चे व गर्भवती महिलाएं प्रतिदिन आती हैं आपके यहाँ पर? प्रतिदिन नहीं, हर गुरुवार को आ जाती है, जैसे 2-3 बाकी की हम संपर्क करने जाती है हमारे यहाँ से सहयोगनी, तब बातें कर जाती है। और कितने बच्चे आपके यहाँ रहते हैं? अब सेंटर पे तो अगणित है, किसी दिन एक भी नहीं आता है, किसी दिन 5 भी आ जाते हैं, किसी दिन 4 भी, 8 भी, 12-15, बस इससे ज्यादा। की सुविधा नहीं है आपके पास? देखो ना तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड रखने के लिए कोई सामान है, ना हमारे बच्चों को दरी पट्टी बिछाने के लिए, हमने खुद ही बिछा रखा है। हम तो पहले टाट बिछा रख रहे हैं, हमने आप पर्सनल पट्टी खरीद ली है। पानी की सुविधा अपने आप ही कर रखी है, कोई नहीं है, ना घंटी है कि बच्चा सोर आवाज सुन के कोई आ जाए बच्चा, ऐसी कोई वो नहीं है। पोषाहार की सुविधा है आपके यहाँ पर? पोषाहार की हम स्टॉक पे बनाते हैं, पोषाहार जो हमको 2 रुपए मिलती है उसके हिसाब से आके समूह की महिला बना जाती है, ऐसी कोई वो नहीं है परेशान। सरकार की तरफ से जो भी योजना बनाई जाती है वो योजना अलग अलग स्तर से होकर आम जनता तक पहुंचती है, जैसा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक, राज्य सरकार से जिला स्तर तक, जिला स्तर से पंचायत तक, फिर पंचायत सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस पूरी कार्यमाला में कई लोग शामिल होते हैं और इसी कार्यमाला में अव्यवस्था होने के कारण सरकारी योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए अव्यवस्था के खिलाफ कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। सुनीता कसेरा, करौली जिला, इंडिया नर्ड।